हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस मॉम किचन। और मेरी आज की रेसिपी है ठेकुआ। ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है और ये हमारी छठ पूजा में बनने वाला एक मीठा पकवान है जो मोस्टली काफ़ी पसंद किया जाता है। और इसको हम ठेकुआ भी बोलते हैं, अरसा भी बोलते हैं, और काफ़ी अच्छी डिश है, खस्ता बनती है। इसको आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। देखिए, मेरी रेसिपी में मैंने यूज़ किया है 1 कटोरी मैदा, और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कटोरी सूजी। जितना हमने मैदा लिया है उसके हाफ में हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। ये मैंने सूजी ले ली है। सूजी लेने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मोमन के लिए जो खस्तापन आता है उसके लिए हम इसमें घी ऐड करेंगे। ये मैंने जो घी लिया है वो मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है, और ये गाय का घी है, और इसको हम ऐड कर देंगे इसमें, और इसको भी अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। घी का हमें क्वांटिटी ऐसे पता चलेगी कि जब हमारा खस्तापन तभी आएगा जब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद। हमारा जो ये आटा है ये अच्छे से मुट्ठी बांधेंगे तो मतलब एक लड्डू सा बन जाता है, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होगा। तो इसका मतलब आपके इसमें जो परफेक्ट घी है वो परफेक्ट डला है, इससे आपका खस्तापन अच्छे से इसमें आएगा और ये सॉफ्ट और क्रंची बनेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसको बांधेंगे तो इस तरीके से ये मुट्ठी बन जाएंगी। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा 1/2 कटोरी दूध लिया है, इससे हम इसको इसका डो बना के तैयार करेंगे। ये दूध को मैंने हल्का गर्म कर लिया है, इससे हम इसको हल्का हल्का सा टाइट टाइट गूंदेंगे। अब इसमें मैं चीनी भी ऐड करूंगी। चीनी को मैंने मिक्सर में पीस लिया है। इसको हल्का सा डो बना लेंगे, बिल्कुल गूंदेंगे नहीं, बस हल्का सा दूध मिक्स करके और अच्छे से। अभी देखिए, चीनी है ये मैंने 1/2 कटोरी चीनी पीस लिया है मिक्सर में, और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद आप इसको हल्का दूध डाल के इसका मिक्स करके डो तैयार कर दीजिए। ये देखिए, सख्त डो हम बना के तैयार करेंगे इसका। ये देखिए, इस तरीके से ये डो बन गया, और इस तरीके से आपको दिख रहा होगा फटाफटा सा इस तरीके से बन जाएगा। इसको और हम अच्छे से बाइंडिंग करने के लिए इसको अच्छे से स्लैब में रख के और दोनों हाथों से अच्छे से इसको मसल मसल के आप इसका डो बिल्कुल अच्छे से तैयार करें, ताकि जो इसमें चीनी है जो भी है वो अच्छे से सूजी वगैरह सब इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये मैंने 2-3 मिनट इसको अच्छे से हाथों से करा है। अब मैंने इसकी पतली सी लोई बना के, थोड़ा ज़्यादा मोटी भी नहीं ज़्यादा पतली भी नहीं, बेल के और इसको एक कटोरी की हेल्प से शेप दे दी है। इस तरीके से आप इसकी शेप दे दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से इतनी थिकनेस रहेगी और इतना मोटा आप इसको बनाएंगे। अब मैं इसमें डिज़ाइनिंग करने के लिए, आप चाहे तो आपके पास है डिज़ाइन का तो कुछ आप कर सकते, नहीं तो आप फोक की हेल्प से इस तरीके से इसमें पैटर्न दे सकते हो। वो आपकी मर्जी, आप किस तरीके का पैटर्न बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और ये हमने देखो इस तरीके से पैटर्न तैयार कर दिया। अब मैं कढ़ाई में इसको तल दूंगी। ये देखिए, इसको हम फ्राई करेंगे, और फ्राई हमेशा इसको गर्म तेल में डालने के बाद आप गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। ये देखिए, मेरे खस्ता ठेकुआ बनके तैयार हो गए हैं। इनका कलर भी देखिए गोल्डन ब्राउन कलर है और काफ़ी यमी दिख रहे हैं, टेस्टी हैं, और इनका क्रंची देखिए, इस तरीके से खस्ता क्रंची बनी है। और आप भी छठ पूजा में इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए। ये रेसिपी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पसंद की जाती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।